गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी एक पोयम लेके आया हूँ। दैट इज नाम है छप्पा। स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड है और इसके अंदर फर्स्ट पोयम जो गुजराती के अंदर है उसका नाम है छप्पा। आपके सामने एक खूबसूरत सी फोटोग्राफ है जिसका नाम है अखा। अखा जी एक बहुत ही बेहतरीन काव्य लिखने वाले एक कवि थे और उसने एक स्पेसिफाई कार्य किया था छप्पा लिखने में। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम आज इस पोयम में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं काव्य नंबर 1 छप्पा की। क्या बताना चाहते हैं इस पोयम के अंदर, ध्यान से समझते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे अखा जी के बारे में। अखा जी जिसका नाम जो है ऐसा माना जाता है, दैट इज अक्षय दास जी इसका नाम था। गुजरात के अंदर आया हुआ, अहमदाबाद के अंदर जेतलपुर के वतनी थे, मतलब वहां के रहने वाले थे। उसने ब्रह्मलीला, संत प्रिया जीवी हिंदी में पण कविताओ लखी छे। तेना जीवन में ते अहमदाबाद, ब्रज, गोकुलधाम घणी जग्याए फर्या। तेने पोताना जीवननी अंदर संसारनो पण त्याग कर्यो, कारण के जीवन में अनेक एवा संबंधो ने एवा कार्य ने मुश्किलीओ आवी जेथी ने लईयो के आ संसार में हवे मोह माया रही नथी। आती अखाए हमेशा पोतानु सर्जन छप्पा में करेलु छे। अखे गीता, अभिनव बिंदु, ब्रह्मलीला, केवल गीता, पंचीकरण अने लास्ट छे दैट इज गुरु शिष्य संवाद। आम अहीं हमेशा आपणे याद राखवानुं के अखानुं नाम ज्यारे पण आवे त्यारे आपणे लखवुं एक ज्ञानी कवि तरीके प्रसिद्ध थया छे अने तेओ मध्यकालीन गुजराती साहित्यनी अंदर हमेशा आपणे अंडरलाइन करवानुं ज्ञानना गरवा वडला। गरवा मतलब जिसके पर हम गौरव ले सके, प्राउड फील्स कर सके, ऐसे एक ज्ञानी कवि थे। और उसके सिर्फ यहाँ पर 2 छप्पे यहाँ पर बताया गया है। छप्पा एक अलग प्रकार से लिखी गई कविता है, उसका एक प्रकार है। लाइक गजल होता है, धुन होता है, भजन होता है, गीत होता है, उर्मी काव्य होता है, छांदस, अछांदस। तो पोएट्री के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से एक पार्ट्स है जिसका नाम है छप्पा। तो साहित्य प्रकार रहेगा छप्पा। जो बुक में से लिया गया उस बुक का नाम भी है अखाना छप्पा। तो देखते हैं उसका छप्पा क्या कहते हैं। एक मूरख ने एवी टेव, पत्थर एटले पूजे देव, पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, ए तो अखा बहु उत्पात, घना ईश्वर ए क्यानी बात। आम अखा जी पोताना जीवन नी अंदर एक सुनार यानी कि गोल्ड स्मिथ का कार्य करते थे। जीवन में कहीं पर भी रिलेशन में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, धर्म में गए तो वहां पर भी दिक्कतें आई। तो वो हमेशा बोलते हैं कि जो हम धर्म को मानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको भगवान चाहिए तो भगवान तो कण कण में है, हर एक व्यक्ति में है, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु में है। अब ये बात हर व्यक्ति जानता है पर फिर भी क्या करता है। तो अखा जी ने हमें डायरेक्टली बोला है कि हम लोग मूर्ख है। हम मूर्ख लोगों की टेव क्या है, तो कोई पत्थर होता है उसको हम देवता समझ लेते हैं, उसकी मूर्ति बना लेते हैं, उसको मंदिर में स्थापित कर लेते हैं, अपने जो धर्म स्थान होता है वहां पर स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से पत्थर को देख के पूजा करने लगते हैं, पानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो सबसे अच्छा पवित्र जल है, इसके अंदर स्नान मतलब स्नान करने लगते हैं, तुलसी को देखकर पान तोड़ते हैं कि ये तो पवित्र छोड़ या वृक्ष है, इसको खाने से, उसको छूने से, उसकी पूजा करने से हमारा जीवन धन्य होगा। इस तरह से अखा जी कहे कि इस तरह से हम लोग सिर्फ उत्पात करते हैं, दिखावा करते हैं, और ये दिखावा करने से, तुलसी तोड़ने से या पूजा करने से, स्नान करने से या पत्थर की पूजा करने से ईश्वर कभी हमें प्राप्त होगा नहीं। तो जो हम लोग हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं उसको एक तरह से बहुत ही सही बात यहाँ पर अखा जी ने अपने इसके अंदर बताया। इसलिए लिखा है कि समाज में जो रूढ़ी चुस्त ढोंगी और बाह्य आडंबर करने वाले लोग हैं उसको यहाँ पर धारदार कटाक्ष किया है ना। तो वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। नाउ बात करेंगे दूसरा छप्पा के बारे में। जहां जोइए त्यां कूड़े कूड़, साम सामी बैठा छे गुड़। गुड़ मतलब घुवड़, उल्लू, आउल, ठीक है। को आवी वात सूरज नी करे, कोई आके सूर्य की बात करे, पर घुवड़ है, उल्लू है, उसने कभी सूर्य नहीं देखा होता है। पर अगर समझो कि दो उल्लू बात करेंगे सूर्य की तो हम समझेंगे तो पागलों जैसी बात है। तो सेम यहाँ पर अखा जी हमें घुवड़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा है,
पर फिर भी हम ईश्वर की बातें करते हैं, ते आगर दे चांच दरे, और दूसरा बात करते तो हम सपोर्ट करते हैं, हाँ मेरे भगवान ऐसे, तेरे ईश्वर ऐसे, तेरे अल्लाह ऐसा, मेरा गॉड ऐसा। आखरे हजार वर्ष अंधारा मा गया, तमे आवा डाहिया क्या थी थया, अखा मोटानी तो एवी जान, मुके हीरो अने उपाड़े पहाड़। हीरा की वैल्यू करनी चाहिए पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं और हम पत्थर की वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो समझते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अखो मोटो उत्पाद कोने गणावे छे, अखो मोटो उत्पाद मूर्ख मानस ने गणावे छे, कारण के मूर्ख मानस पत्थर जोई अने देवनी जेम पूजा करे छे, अने पानी जोई ने स्नान करवा दौड़ी पड़े छे, तुलसी जोई ने पान तोड़े छे। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन, सूर्यनी वात करनार ने घुवड शो जवाब आपे छे। सूर्यनी वात करनार ने घुवड कहे छे, हमें तो यहाँ पर तू आएगा, तो हजारों वर्ष अंधारा मा गया, कोई आवी सूर्यनी वात करे तो आगळ जे अने પોતાની ચાંચ ધરે, જેમ કે આપણે પણ ઈશ્વરને સમજતા નથી જાણતા નથી તે રીતે બે ઘુવડ જેમ સૂર્યની વાત કરે એમ આપણે ઈશ્વરની વાત કરીએ છીએ। આમ અખાજીએ ઘુવડની જેમ આપણને કહ્યા છે, સૂર્યના પ્રકાશની તને ખબર નથી એમ આપણે ઈશ્વરની ખબર નથી, એમ આવા ડાહ્યા માણસને પણ ગાંડાની જેમ જ્યારે વર્તન કરે છે ત્યારે આ બધા ડાહ્યા ગાંડા જેવા છે, એટલે કે ઘુવડ જેવા છે એમ કહે છે। નેક્સ્ટ, અખોએ પરમેશ્વર વિશે શું કહ્યું છે? અખો કહે છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં પરમેશ્વર એક જ છે, એક ઈશ્વરનો વાદનો મહિમા, એક જ ઈશ્વરનો વાદનો મહિમા। અખા અહીંયા કહે છે કે લોકો જુદા જુદા નામે પરમેશ્વરને પૂજતા હોય છે અને ક્યારેક તો ઝઘડા પણ કરી દેતા હોય છે, પણ એ વાત બહુથી પીડા ઉત્પન્ન કરનારી છે। આથી અખો એક જ ઈશ્વરને, પરમેશ્વરને સત્ય છે એ વાત અહીંયા રજૂ કરી છે। કેવા લોકો હીરો મૂકીને પથ્થર ઉપાડે છે? તો બાહ્ય આચરણ કરવા વાળા, એટલે બાહ્ય દિખાવા કરના, એના મુંહ મે રામ બગલ મે છુરી, ધેટ ઇઝ બાહ્ય આચારમાં રચને વાલે પડને વાલે જો પાખંડી ઢોંગી, એ લોકો હીરાનું મૂલ્ય સમજી શકતા નથી, એટલે તેઓ હીરો મૂકી અને પથ્થર ઉપાડે છે। બાહ્ય આચારમાં રચાતા લોકો સંકુચિત વૃત્તિ ધરાવતા હોવાથી સારા વિચારોનું મૂલ્ય સમજી શકતા નથી, આથી આવા લોકો હીરો મૂકી અને પથ્થર ઉપાડે છે। નાઉ મેને પહેલે ભી આપકો બતાયા થા, વાપસ એક બાર બતા દું કે જબ ભી હમ ટુ લાઇન કા આન્સર લિખતે હૈ તો વહાં પર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ મે હમ કુછ ઇસ પ્રકાર સે લિખેંગે, પહેલે લિખેંગે કવિ કા નામ અખો, ફિર સાહિત્ય પ્રકાર લિખેંગે છપ્પા, ઓર ઉસકે બાદ લિખેંગે કોન સે કાવ્ય કા નામ હૈ, તો ઇસકા કાવ્ય કા નામ ભી છપ્પા હૈ, વો લિખને કે બાદ હમે યે આન્સર લિખના ચાહિયે। નાઉ લોંગ આન્સર આતા હૈ, તો લોંગ આન્સર કે અંદર સબસે પહેલે હમે ઇન્ટ્રોડક્શન લિખતે હૈ એન્ડ ઉસકે બાદ આન્સર લિખતે હૈ, તો વાપસ સે ઇસકા ઇન્ટ્રોડક્શન હમ બતા દેતે હૈ કૈસે બનાયેંગે ક્યા કરેંગે, તો ઇસ તરહ સે હમ લિખેંગે કે શ્રી અખાજી દ્વારા, યા આપ એસા ભી લિખ સકતે હો રિસ્પેક્ટ દેને કે લિયે કે શ્રી જ્ઞાનના ગરવા વડલા સમાન એવા અખાજી દ્વારા રચનાબદ્ધ કરવામાં આવેલ આ છપ્પા, બ્રેકેટ મે છપ્પા કાવ્યમાં જ્ઞાનની વાતોના દેખાવ કરનાર રૂઢિચસ્ત લોકો વિશે ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણન કરવામાં આવેલ છે। ये हो गया, उसके बाद आप इसका आंसर लिखोगे जो यहाँ पर है, अखो छप्पा द्वारा अज्ञानियों नो खुला पाड़े छे, मोटपणा नो देखाव करे छे, मोटपणा मतलब बड़े होने का दिखावा करते हैं, अने तेमा साची मोटाई होती नथी, तेनी अंदर साचू ज्ञान होतु नथी। समाज में आपणे जहाँ जोईए त्यां छळ कपट अने प्रपंच एटले देखाव ज जोवा मळे छे। ज्ञान न होय તો પોતે મહાજ્ઞાની છે એવો દેખાવ કરનાર લોકો માટે અખાએ શબ્દ વાપર્યો છે ઘુવડ, કેમ કે ઘુવડે ક્યારે પણ સૂર્ય એટલે જ્ઞાનરૂપી સૂર્યને જોયો નથી, એટલે કે સૂર્યની વાત કરે છે અને ત્યાં એ ચાંચ ધરે છે, તેમાં હજારો વર્ષો અંધારામાં ગયા છે, એવા અંધકારરૂપી રૂઢિચુસ્તામાં જકડાઈ ગયેલા લોકોની વાત અહીં સ્વીકારતા એવો તૈયાર નથી, નવી વાત કરનારને આગળ વધવા દેતા નથી, એટલે અખો કહે છે કે આવા લોકો હીરો મૂકીને પાણો એટલે પથ્થરને પસંદ કરે છે। ફિર લાસ્ટ મેં લેક લાઈન છોડ કે લખેંગે, આમ જ્ઞાની હોવાનો દેખાવ કરનાર અજ્ઞાનીઓ વિશે કવિએ ખૂબ સુંદર રીતે પોતાના વિચાર વર્ણન કરેલા છે। તો થ્રી પાર્ટ મેં લોંગ આન્સર લિખા જાતા હૈ, ફર્સ્ટ ઇઝ અ ઇન્ટ્રોડક્શન, સેકન્ડ ઇઝ અ દેટ ઇઝ આન્સર એન્ડ થર્ડ કોમ ક્વેશ્ચન કો રિપીટ કરતે હૈ।
सेम यहाँ पर भी आपको ऐसा ही आंसर लिखना है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अलग रखा हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, एक मूर्ख ने केवी टेव हती, एक मूर्ख ने टेव हती के पत्थर एटले देव मानी अने पूछता अने पानी जोईने स्नान करता, तुलसी जोईने पान तोड़ता, ठीक है। तो तीन आंसर बना पत्थर पानी तुलसी। नेक्स्ट, अखा भगत नु समर्थ सज्जन शेमा हतु, तो छप्पा मा। अखो ईश्वर अंगे शू माने छे, अखो कहे छे ईश्वर मात्र एक ज छे, जहां जोईए त्यां शू जोवा मळे छे, कपट कूड़े कूड, यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है कूड़े कूड का मतलब होता है कपट जोवा मळे छे। साम सामे कौन बैठा छे, घुवड़ यानी कि उल्लू बैठा छे। मूर्ख शू उपाड़े छे, मूर्ख पत्थर उपाड़े छे, हीरो छोड़ी अने शू उपाड़े छे पत्थर उपाड़े छे। नाउ आगे है, एक मूर्ख ने केवी टेव छे, सेम आंसर है। अखो शू कहे छे के माने छे ईश्वर एक छे, सूर्यना प्रकाश ने स्वीकार कौन करे छे, प्रकाश करे छे दैट इज घुवड़, अस्वीकार करता है। जहां जुए त्या बधे शू देखाय छे, कूड़े कूड़। मूर्ख कई वस्तु ने छोड़ी दे छे, हीरो। अखानु सर्जन शेमा हतु, छप्पा मा। एक मूर्ख पत्थर एटला शू पूछतो हतो, देव। मूर्ख स्नान मा शू, स्नान शू जोईने करतो, पाणी जोईने। मूर्ख शू जोता पान तोड़े, तुलसी जोईने। घुवड़ क्यां बैठा छे, साम सामे। कोणी वात घुवड़ चाच आगळ धरे छे, सूर्यनी वात मा। नाउ ग्रामर पार्ट है, दैट इज मूर्ख यानी मूर्ख यानी अड़वो, पत्थर पाषाण पहाड़, पानी नीर जल वारी सलील, पान यानी पर्ण पांदड़ू, उत्पात पीड़ा व्यथा, परमेश्वर भगवान ईश्वर, सूर्य रवि भानु दिवाकर, अंधारू अंधकार तिमिर। ऑपोजिट यानी कि विरोधार्थी शब्द, देव दानव, अंधारू अंजवाड़ू, मोटा नाना, डाहिया गांडा, आगळ पाछळ तळपदा। देशी शब्द, देखी जोईने, सनान स्नान, लेई लई, पहाण पत्थर, मूरख मूर्ख। तो इस तरह से कहते ना कि एक अलग प्रकार का आइडिया अपने जीवन को चेंज करता है। लाइक अखा जी को भी लगा कि मुझे भी अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने का कुछ अलग तरीका यानी आइडियाज होने चाहिए, तो वो कुछ नई बिगिनिंग्स हो सकती है। तो अखा जी ने अपना ये कार्य किया और आज देखो अखा जी के बारे में आज भी हम पढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दोस्त आपका मित्र महेंद्र जोशी। प्लीज़ अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर करिएगा ज़रूर। थैंक यू।